इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई इक्वेशन थीटा टी इक्वल टू 2t⁻³⁶⁰ द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट, ठीक है जी, थीटा की वैल्यू टी मत लिखा करो, थीटा ऐसे लिखा करो 2t⁻³⁶⁰ दिया, ठीक है भैया देने दो। आगे कह रहा द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट, मतलब किस समय टॉर्क 0 होगा। अच्छा टॉर्क का मैंने फॉर्मूला बताया हूं, एक आर इंटू एफ बताया हूं, मेरी बात समझे कि नहीं, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला मैंने बताया हूं आई इंटू अल्फा, हाँ इससे कुछ हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा बाई डी टी तो इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ओमेगा, मेरी बात समझे। तो अगर मैं इसमें, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसे तो हम जीरो कर नहीं सकते हैं, तो हम जीरो किसको कर सकते हैं जी, एंगुलर एक्सेलरेशन को। अगर ये जिस समय जीरो आ रहा होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे टॉर्क भी जीरो आ जाएगा, मेरी बात से सहमत हो। तो यहां इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और टी की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3t² और -6 को ऐसे रखो t² का कितना हो जाएगा 2t। जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है भैया, y इक्वल टू x की पावर n होता है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, तो n x की पावर n -1 यूज करते, ध्यान रखे रहना। अगर इसके साथ 2 है तो 2 रहेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करिएगा। तो मैंने t की पावर 3 का 3t² लिखा, t² का 2t रखा, साथ में 2 रहने दिया 6 रहने दिया, ये कितना हो गया जी 6t² -12t हो गया। अच्छा ये एंगुलर वेलोसिटी आया, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा सॉरी ये अभी क्या आया है जी, एंगुलर वेलोसिटी, नीचे लिखें उसी लाइन में, नहीं लिख सकते ना, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, तो इसको अल्फा लिखेंगे। तो ये 6 को रहने दीजिए, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, -12 को रहने दीजिए, टी का कितना हो जाएगा 1। तो जो भी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना कि ये जो हमारा टी का 1 कैसे आया, वो कैसे आया, वो जरा देख लें, इसीलिए जीरो लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ ना। वाई इक्वल टू एक्स है, अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स आप करते हैं तो ये होता है 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाता है एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 को हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 12t माइनस का 12। अब इसे जीरो कर दीजिए अल्फा को, अल्फा जीरो करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 12t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 12 इधर आएगा, 12 से डिवाइड भी कर दो तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसका